हम बात करेंगे ढूंढीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहब फाल्के के बारे में, जिन्होंने भारतीय सिनेमा जगत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना एक आंख गंवा दिया। इन्हें भारतीय सिने जगत का पितामह भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर हुआ था। बिजनेस में असफल होने के बाद फिल्मकार बनने का निर्णय लिया। उन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमा घरों में जाकर फिल्मों का अध्ययन और विश्लेषण किया। 1912 में फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए वह इंग्लैंड गए। 1912 में ही अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो एक मूक फिल्म और देश की पहली फीचर फिल्म थी। भारत सरकार द्वारा उनके फिल्म क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के नामक पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 1969 ईस्वी में पहला पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।